हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम सहदेवी के बारे में, जिसे लोग ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो पौधा मिलेगा कहाँ से भाई। तो ये पौधा देखो, अब आपको मिलेगा दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन में। ये भी दो चार पौधे हैं जो हमने अभी किसी के ऑर्डर पे मंगवाए, और ये मज़े की बात है, ये पौधा चलता बहुत सुंदर है, बहुत खुशियाँ लाता है ये पौधा। और जैसा कि गूगल पे सारी इसकी डिटेल दी हुई है, ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये सुख शांति के लिए बहुत अच्छा है, इसको लगाने से घर में बहुत खुशियाँ आ जाती है, ये सारी बातें इस पौधे की गूगल पे लिखी हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये पौधा वाकई में इतना इंटरेस्टिंग है, लोग मेरे पास जयपुर से लेकर पटियाला से लेकर लोग आके लेके जा रहे हैं, मैं भी हैरान हूँ ये पौधे में भाई है क्या ऐसा। तो ये एक पौधा मैंने भी अपने घर में लगा लिया है, और सच मानो तो अब इसको पौधे को देखकर ही बहुत पॉजिटिव फील होता है। पत्तियां बहुत सॉफ्ट है इसकी, बहुत ही सुंदर प्लांट है, सहदेवी इसे बोलते हैं, और बहुत ही वायरल हो रखा है ये प्लांट। आप ये देखो, इसकी केयर के लिए मैं बताता हूँ, केयर इसकी ये है, आपको मॉइस्ट रखना है, इसको थोड़ा सनलाइट भी ज़रूरी है। ये पौधा मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, करने से ये पूरा पौधा डिस्टर्ब हो जाता है और प्लांट पूरा डेड हो जाता है। इसको ज़्यादा बताना नहीं होता, जब भी खरीदो बस चुपचाप ले जाके इसे घर में तुलसी, जहाँ आपके ऑस्पिशियस प्लांट है उसके बगल में रखो, सुबह शाम इसकी जैसे तुलसी में पानी चढ़ाते हो वैसे इसकी केयर करो, देखभाल करो। पौधा जो है ये 1100 रुपये का है, जी हाँ 1100 रुपये का है पौधा। अभी तक मैंने इतना महंगा इतने वाइल्ड पौधे नहीं बेचे हैं, बट क्योंकि ये बहुत वायरल हो रखा है, मैं इसीलिए डर के नहीं मंगाता यार, इतने महंगे पौधे कैसे बेचूंगा मैं, बट लोग इतनी दूर से आके ले रहे हैं, कुछ तो इस पौधे में है। और देखो मज़े की बात यह है, इसकी केयर ज़्यादा करनी नहीं है इस पौधे की, बहुत ही आपको वाटर कीजिए डेली, जब भी सरफेस ड्राई लगे अच्छे से भर के पानी दीजिए, खुले में रखना है, बंद में इसे रखना नहीं। लोग इसकी जड़ भी यूज़ करते हैं धोकर, एक कस्टमर मेरे से इसको पूरा धुलवा कर इसकी जड़ लेके गया है, अब वो मुझे उन्होंने बताया नहीं, कुछ छुपा रुस्तम बात तो होगी उसमें कि इसकी जड़ है ऐसा। मैंने उनसे निकलवाने की उनसे कोशिश करी कि भाई इसकी जड़ का करोगे क्या, मुझे भी इसका राज बताओ। तो उन्होंने बताया कि इसकी जड़ को वॉश करके धोकर लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लो, उस तिजोरी में से पैसे ही ख़त्म नहीं होंगे। मैं कभी ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता, बट पौधों के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल हमारी जड़ी बूटियों के पौधे जितने भी हैं उनके अंदर चमत्कार है, शुरू से चला आ रहा है ये सब चीज़ें। महाभारत टाइम से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनते आ रहे हैं पौधों के बारे में, तो हमें एक पौधे से अगर हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है तो ये कमाना तो हम भाइयों छोड़ सकते नहीं है। तो एक पौधा हमारी ना कमाई को कम कर सकता है ना कुछ, एक पौधे को लेके क्या होना, ले लो चाहे कहीं से भी खरीदो, मुझसे मत खरीदो, बट पौधा सच में वाक्य में कोई चीज़ है ये। तो ये सहदेवी प्लांट है जिसके बारे में हमने आपको बताया, पहाड़ों का पौधा है, ये भी हमने बड़ी दूर से मंगवाया है, स्पेशली कस्टमर जो हमसे लेने वाले हैं, ये दो पौधे हैं जो आज कोई लेने आने वाला है। कभी आपको चाहिए हो तो आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डिटेल दे देंगे, आप बताइएगा, कॉल करेंगे तो हम डिलीवर करा देंगे दिल्ली NCR में, क्योंकि डेलिकेट है, टूटने में ज़्यादा इसका चांसेस होता है, तो दिल्ली NCR ही से डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।